छोटी नाम का एक दुकानदार दिन भर अपनी दुकान में काम करके रात में अपने घर के लिए लौट रहा था। उसे लौटने में काफ़ी रात हो चुकी थी। उसे लौटते समय रास्ते में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो मोतीलाल डरते डरते और जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने दो चोर आ जाते हैं। क्या भाई, तुझे घर जाने की बड़ी जल्दी है, लगता है मोटा पैसा छाप कर लाया है। एक काम कर, थोड़ा पैसा हमें दे जा, हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए मुझे घर जाने की जल्दी थी। तुझे घर जाने की इतनी ही जल्दी है तो चला जाना, लेकिन पर हमें तेरी तलाशी लेने दे। तू अभी अभी दुकान से लौटा है, तेरे पास जरूर मोटा पैसा होगा। मोतीलाल के जेबों में उस दिन की पूरी कमाई थी, इसलिए वो चोर की बात सुनकर काफी डर जाता है। क्यों भाई, तुम कौन होते हो मेरी तलाशी करने वाले? मुझे घर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ मैं। अच्छा, बदमाश से ही बदमाशी, आज तो तेरी धुलाई करनी ही पड़ेगी। वैसे भी मेरे हाथों में काफी खुजली चल रही है, मुझे हाथ गर्म किए हुए काफी दिन हो गए। यह बोलकर वो दोनों चोर मोतीलाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मोतीलाल उन दोनों से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते एक घर के बाहर जाकर रुक जाता है। अभी के लिए तो मैं इन चोरों से बचने के लिए इस घर के अंदर छुप जाता हूँ, नहीं तो ये दोनों मुझे आज लूट ही लेंगे। यह बोलकर मोतीलाल उस घर के अंदर चला जाता है, तभी वहाँ पर वो दोनों चोर भी आ जाते हैं। सुन हीरा, तू अंदर जाकर देख कर आ कि वह दुकानदार इसके अंदर छुपा है या नहीं। मैं क्यों जाऊँ, तू जा, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूंगा। तेरे को जाना है तो तू चला जा, मैं तो नहीं जाने वाला। ठीक है, मत जा, जब वह बाहर आएगा अपन उसको पकड़ लेंगे, वैसे भी अपन जब तक उसको इधर उधर ढूंढ लेते हैं। फिर घर के अंदर जाकर मोतीलाल काफी डर गया था, क्योंकि उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो एक मुर्दा घर के अंदर था। तो मोतीलाल एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। इस मुर्दा घर के अंदर रुका तो मैं, यह मुर्दे मुझे मार कर खा जाएंगे, और बाहर गया तो वह लुटेरे मुझे लूट लेंगे। हे भगवान, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। भी अचानक मोतीलाल के सामने एक भूत आ जाता है।